वेलकम बैक टू माई चैनल, यू आर वॉचिंग माहिज लाइफ। यार आज मैं तुम्हारे साथ एक बड़ी अच्छी न्यूज़ शेयर करनी है कि आज जी शाम को है मोती की मेहंदी। फाइनली ये दिन आ चुका है। सबसे पहले मोती के लिए बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और मैं सोच रही थी कि यार उसके लिए कुछ स्पेशल प्लान करते हैं, लेकिन टाइम नहीं मिल सका, या बस हम सलामी वगैरह दे के यार कर देंगे फारिग इस बात को। और कहाँ जाते, धूप में निकलते यार, गिफ्ट शिफ्ट लेने जाते, और फिर बात वही रह जाती है कि यार गिफ्ट से छोड़ो, हम इस बारे में बात ही नहीं करेंगे। तो थिंग इज कि आज है मोटी की यार मेहंदी, शाम को जाना है। अभी तक जो डिसाइड नहीं हुआ कि मैंने कौन सा आउटफिट पहनना है, 5-6 सूट बनाए थे लेकिन डिसाइड नहीं हो पाया। साथ साथ मैं तुम लोगों को बताया भी अपने पुराने व्लॉग्स में, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कुछ पुराना सूट निकालो और वो पहन के जाऊँगी। सी कि कौन सा डिसाइड करेंगे। अभी यार नाश्ता वगैरह करना है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। पहले मैंने सोचा था बाहर जाएंगे, कुछ देख आएंगे कोई आउटफिट वगैरह, लेकिन वो सीन तो है ही नहीं ब्रो, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो हम अपनी कबर्ड को एक्सप्लोर करेंगे, कुछ ना कुछ तो आई मीन उसमें से निकल ही आएगा। और मेरे जान सबसे पहला काम कि तुम लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि व्लॉग जो मैं अपलोड करूँ वो मिस ना हो सके। और मेरी जान लाइक और कमेंट कर दिया करो। अभी हम थोड़ी देर में मिलते हैं, या एक्चुअली शाम के मिलेंगे, क्योंकि अभी मैंने क्लिनिक चले जाना है फ़ौरन, उसके बाद जल्दी से आगे हमें जी फिर रेडी होना है। और आई सी यू थोड़ी देर बाद में। जैसे कि यार आप लोग देख सकते हो, फाइनली जी मैं मोटी के पास पहुंच चुकी थी, और माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। अल्लाह ताला इसको बहुत ज़्यादा खुशियाँ अता फरमाए। और ये आज इसका फर्स्ट डे है, मेहंदी का दिन, ठीक है, जिसके अंदर इसने जी बड़ा क्यूट सा मेकअप लुक तैयार कराया था। A few moments later, थोड़ी देर बाद यार मेहंदी का फंक्शन फाइनली जी स्टार्ट हो चुका था। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, हम लोग इधर प्रिपरेशंस कर रहे थे और लेके आ रहे थे मेहंदी। यहाँ पर बहुत ही खुशगवार यार हसीन किस्म का वो बना हुआ था माहौल, ठीक है। यहाँ पर मैंने सोचा कि थोड़ी सी रस्म हम भी कर लेते हैं मोटी के लिए। सबसे पहले यहाँ पर ये मेहंदी लगाई जा रही है, ये बड़ा अच्छा निज़ाम हो गया, पैसे वेस्ट नहीं करते। पहले यार हाथ में पैसे रखते थे। यहाँ पर जी मैंने इसको साथ में मीठा खिलाया, खा नहीं रही थी, मना कर रही थी, मैंने कहा बहन खा मज़ीद इसको इन्जॉय कर। और यार ये सारे जो आप लोग क्लिप्स हैं वो वॉइस ओवर इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि शोर इतना ज़्यादा था कि जी व्लॉगिंग इस तरह हो नहीं पानी थी, और आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ शोर सुना था, बाकी यार एंजॉय करो। बहुत बुरी सी हालत हो चुकी है, इग्नोर करना है मिशन की मेहंदी से जी। रात के 12 बजे जी मैं घर पहुँची, मतलब वैसी बैठी हूँ, स्टेटस वगैरह लगाए हैं, और मेरी जान क्या सीन है, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, ठीक है। डिटेल्स हम बाद में करेंगे, हाँ उसके सेगमेंट्स नहीं, जैसे कि क्योंकि थोड़ा सा प्रीवियस इशू था फैमिली गैदरिंग की, सारी आउटडोर कोई भी सीन नहीं था, तो इससे घर पे फंक्शन था और बहुत अच्छा हो गया अलहमदिल्ला, बहुत प्यारी लग रही थी मोटी, बट आई कॉन्ट शो राइट नाउ, ठीक है, बस इसके लिए थोड़ा वेट करो, हम बाद में दिखा देंगे, नेक्स्ट किसी ब्लॉग में दिखा देंगे। अभी आई जस्ट नीड टू फ्रेशन अप और सिर्फ सोएंगे, और इंशाल्लाह सुबह बात करेंगे इन डिटेल। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जी मोटी की बारात का फंक्शन था। मेरा लुक देख सकते हो यार, मैं बहुत ज़्यादा ओवर तैयार हुई थी, क्योंकि यार बेस्टी की जब शादी हो तो इतना तो बनता है ना। उसके बाद जी आप देख सकते हो कि इसके फंक्शन पे मैं पहुंच चुकी थी, थोड़े से हम क्लिप ले चुके थे, और मतलब ये जो आप लोग देख रहे हो ये इनका बारात का सेटअप था। सब लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे। लास्ट में मैंने रुखसती के थोड़े से क्लिप्स डाल दिए, बहुत 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 प्यारी लग रही थी। इसका लहंगा देखो माशाल्लाह कितना सही लग रहा था, और इसको इन्जॉय करो। यार बहुत टाइम से आप लोगों को व्लॉग्स और बाकी सारी चीज़ों की अपडेट नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी थी। जैसे कि मैंने बताया था मोटी की शादी थी यार, मतलब मेरे ब्लॉग्स में आप लोगों ने देखा होगा, उस हमारे साथ मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बहन कह सकते हो, बेस्ट फ्रेंड कह सकते हो, तो माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी सीन लग रही थी, इसकी शादी हो चुकी है। हम क्लिप्स वगैरह थोड़े से डाल देंगे, कुछ फैमिली रिजर्वेशन थी जिस वजह से मैं वो प्रॉपर शूट नहीं कर सकी अनफॉर्चुनेटली, बट मेरी पिक्चर्स वगैरह मैं आप लोगों को अभी यहाँ पर दिखा दूंगी, और मैं बहुत भर भर के तैयार हो गई थी, तो मतलब वैसे मेरा अपना कोई निकाह शिका हो रहा है। तो खैर जी अभी उसका वलीमा है, वो कल को अटेंड करेंगे। ये सारा ब्लॉग आप लोगों को एक ही बार में मिलेगा, ठीक है, इसको मैंने सेपरेट 3 ब्लॉग्स में नहीं किया, मैंने कहा यार एक पूरा सेगमेंट है ना मेहंदी बारात वलीमा, तो वो हम एक दफ़ा एक ही ब्लॉग के अंदर करते हैं। तो खैर अभी मैं क्लिनिक आई थी, बीच में कुछ काम थे, काम शाम भी देखने हैं। आप लोगों के लिए जी 50% ऑफ लगाया हुआ था मैंने अपनी सर्विसेज पर, ताकि आप लोग मेरी सर्विसेज से फ़ायदा उठा सकें। इधर हेल्थ 360 क्लिनिक्स पर आप अपना कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। फ़ोन नंबर आप लोगों को मेरे इंस्टाग्राम से मिल जाएगा, जो कि है डॉक्टर महानसीम शेख के नाम से, उधर जाके चेकअप कर लो और अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक कर लो, ठीक हो गया। और मेरी जान जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, और इसके साथ साथ जी आप लोगों ने बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि जब मैं ब्लॉग अपलोड करूँ तो मेरी बहन आपको सबसे पहले मिले। तो वो क्या है, बस थोड़ा काम शाम देखते हैं, कंसल्टेशन हैं वो करेंगे, उसके बाद आज जी जमीना और उसकी फैमिली को घर पर इन्विटेशन भी दिया हुआ है। चीज़ मैं एंड अदर फ्रेंड, उसके साथ भी ब्लॉग्स वगैरह आप लोगों ने देखे होंगे, ब्लॉग्स पड़े हुए हैं, जाके चेकआउट कर लो, ठीक है। उनको आज डिनर पर बुलाया हुआ है, नई लवेली दुल्हन, यू नो, इस तरह के शशके वशके हो रहे हैं,
तो खैर जिनके साथ डिनर काफी डिले होता जा रहा था तो आज उनको इनवाइट किया है यहाँ से फ्री होकर जी डिनर की तैयारी शैलियाँ करनी है और उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। बाकी जो ब्लॉग्स की कंसिस्टेंसी है उसको बैक टू नॉर्मल लेंगे, बस यार मैं इधर से थोड़ा सा फ्री हो जाऊँ तो इंशाल्लाह फिर डेली ब्लॉगिंग पर हम लोग आते हैं। One hour later. तो यार जैसे कि आप लोगों को बताया था कि जर्मीना लोगों का जी हमारे घर आज डिनर है तो उसके लिए जी कुछ खाना वगैरह पैक करा था वो करा लिया और बहन के लिए जी एक आउटफिट भी लिया है हमने और वो उसको हम गिफ्ट करेंगे। बाकी यार चीज़ें बाद में बताएंगे क्योंकि अभी बहुत हालत बनी हुई है, बस निकलने कैब बोल रही है। गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक टू माई चैनल वंस अगेन। अभी जी ये तीसरा दिन आ चुका है, आज है जी मोटी का पतला और हमें जाना है जी दूर दराज की सिटी में। ठीक है ओके, जुड़ा वाला जाना है यार यहाँ से एक डेढ़ घंटा लग जाता है जैसे कि तुम लोग को पता ही होगा जो लोग जाते हैं यहाँ सिटी से है। भाई क्या सीन है कि भाई अभी थोड़ा सा अपने स्किन पर की है, मेकअप अभी मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। ठीक है ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, आंटी मुझे कॉल कर चुकी हैं कि बेटा मुझे पता है तुम सो रही होगी, उठ जाओ क्योंकि वो हमें ज्वाइन करने वाली है, साथ में जाना है। ठीक है और क्या सीन है कि जाते दिखाते हैं आज मुर्गी को थोड़ा सा, मैं सोचूंगी कि मतलब आई ट्राई कि मैं लाइव दिखा सकूँ वो कैसी लग रही है। हम उसको पूछेंगे कि अगर कोई रेजिग्नेशन नहीं है तो शूट द ब्लॉग। और अभी मुझे जल्दी से याद तैयार हो रहा है, अभी बस निकलने करनी है अभी वरना बहुत मसला हो जाएगा। ठीक है तैयार हो गए फिर बस गाड़ी बैठ फिर बस चले करते हैं। प्रो 1 बजे का टाइम था और 1 बजे अभी तक मैं घर पर ही हूँ सही है और जाने में अभी 1 घंटा लगना है। ठीक है आई जस्ट गॉट रेडी, मेरा आउटफिट बहुत 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 मज़े का, ये मैं पिक्चर्स या कुछ सेगमेंट पूरे अपने आउटफिट का डालूंगी। ठीक है आप लोग प्लीज़ कमेंट डाउन करके बताने कैसा लगा है, मैं इसकी डिटेल्स बताऊँगी कैसे तैयार हुआ है, मतलब इसमें बहुत खर्चा भी हुआ है। ठीक है और बहुत मेहनत भी हुई है इसको डिज़ाइन कराने में। तो खैर यार अभी बस निकल रहे हैं। अभी यार मैं पहुंच चुकी हूँ मोटी के घर और ये मोटी का कमरा ठीक है वो यहाँ से निकल चुकी है, दफा हो चुकी है अपने नए घर में। मोटी एक फ्लोर सीन माई फ्लोर ब्रो, तेरे रूम पे सबने कब्जा कर लिया है, मैं तुझे बता रही हूँ। तो खैर अभी हम थोड़ी देर में निकलेंगे हार्डली 15-20 मिनट में क्योंकि ड्राइवर का वेट है और डिसाइड किया कि सब लोग इकट्ठे ही जाएंगे। पहले हम सोच रहे थे कि हम लोग निकल जाते हैं लेकिन सोचा कि अभी नहीं, चलो इंतजार करो। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। स्मोकिंग नहीं करती, झूठ बोल रहा है। आए 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 वॉश लगना था ना उधर ले रूम बस वाले रूम पे जाओ, ये वाला भी वॉश में लेकिन इधर से बंद ड्राइंग में जाना पड़ेगा। यहाँ से जी मोटी का मैं मिनी व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ उसके वली में, आप लोग देख सकते हो अभी मैं रास्ते में थी जा रहे थे, मैंने शॉर्ट क्लिप्स ले लिया आप लोगों को दिखाने के लिए कि रास्ते में कुछ इस तरह का निज़ाम था, सड़क बड़ी साफ सुथरी थी लेकिन बीच में काफ़ी हिस्सा ख़राब भी आया। खैर काफ़ी ज़्यादा टायर्ड भी हो चुकी थी क्योंकि मैंने हील्स पहनी हुई थी लेकिन रास्ते में साथ हम बाकी सारे इकट्ठे ही जा रहे थे। फाइनली जी हम लोग फंक्शन पर पहुँचे और काफ़ी ज़्यादा रश था, काफ़ी गेस्ट आए हुए थे और इस तरह का कुछ इसका आउटफिट था यहाँ पर, इसका भाई जी इसको गिफ्ट दे रहा था गोल्ड का, उसने सेट गिफ्ट किया था और मैंने सोचा थोड़ा सा फ्लॉन्ट भी कर लेते हैं, थोड़ा सा हम भी दिखा लेते हैं, शशके वशके मार लेते हैं, थोड़ा सा जी हम एक्सप्लोर करेंगे वेन्यू को। और फाइनली एक और दफ़ा इनकी लुक देख लो यार, ये बहुत ज़्यादा हसीन लग रहे थे दोनों। प्रॉपर वीडियोस और पिक्चर्स आपको किसी नेक्स्ट व्लॉग के अंदर दिखाऊंगी। फाइनली जी यहाँ से वापसी का रास्ता हमारा स्टार्ट हुआ और लास्ट पे जी वलीमे का फंक्शन बहुत अच्छे से हो गया और कुछ यहाँ पे हमने गेस्ट को सी ऑफ करना था, भाई उनको सी ऑफ करा था और अभी हम लोग जी यहाँ से निकल जाएंगे अपने घर के लिए और आपसे घर जाके बात होगी। सो पीपल दिस इज माई आउटफिट फाइनली, आई एम बैक टू होम। इस चीज़ को यार माइंड नहीं करना तुम लोगों ने कि ब्लॉग जो है वो प्रॉपर सेगमेंट और सीक्वेंस नहीं बन पा रहे क्योंकि जी थोड़े फैमिली रेजोल्यूशन से जिस वजह से मैंने बताया था कि जी शायद हो सकता है मुझे ब्लॉग शूट करने, शायद हो सकता है कि हम नहीं करें। खैर दैट वाज आउटफिट जो मैंने बनवाया था और ये इधर फंस चुका है, जैसे कि तुम लोग पता है कि इस तरह के कपड़ों का ना यार ये बड़ा मसला रहता है, मतलब देखो इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करवाई थी पहले जी मैंने, सिल्क का सादा सूट खरीदा एम्ब्रॉयडरी होने के लिए सेपरेट ले लिया, ठीक हो गया। खैर जी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बड़ा अच्छे से हो गया, उसका फंक्शन वगैरह वो खुशपाश अपने घर में, अपने घर में खुश रहे बाद रहे। और लेकिन यार मिसहैप हो गया वापसी पे आते जी, एक्सीडेंट होने लगा था बहुत बुरा यार, मतलब कह लो अल्लाह ने बचाया सही है, दिन भर में सदका वदका किया फाज मैंने पैसे वाले के, चलो यार करना चाहिए ठीक है। अच्छा क्या सीन हुआ कि बस हमारी सारी गाड़ियाँ एक लाइन में जा रही थी, बाइक वाला आया है ठीक है,
इस गाड़ी से बचा और वो हमारे आ गया। और फहद ने इतनी शिद्दत के साथ ब्रेक लगाई है कि मतलब बस बच गया वो बंदा, एंड थैंक गॉड कि वो बच गया और कोई नुकसान नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह भी सेफली घर पहुंच गए। लेकिन खैर इस तरह की चीज़ों से यार मतलब दुआई कर सकते हैं कि इस तरह का कुछ ना हो। डेफिनेटली थोड़ा डर तो होता ही है जब आप रोड पर निकलते हो तो फिर ट्रैफिक जब हार्श किस्म की हो। तो खैर अभी जी बहुत 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 थकावट हो चुकी है, ठीक है, दो तीन दिन से लगातार फंक्शन चल रहे हैं, आप लोगों को पता सिर्फ ये चीज़ चल रही है। इंशाल्लाह अब एक दो दिन से जो है व्लॉगिंग जो है वो नॉर्मल हो जाएगी, बैक टू रूटीन हम आ जाएंगे, हमारा रूटीन और ये सारा कुछ आप लोगों को मिलता जाएगा। मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जो है वो मेरे एकदम प्रेस कर लेना ताकि ब्लॉग अगर अपलोड हो तो आपको सबसे पहले मिले, आपको नोटिफिकेशन आ जाए आपके मोबाइल पर। और यार जिसको मेरा ये आउटफिट और ये लुक अच्छा लग रहा है ना, न्यूड मेकअप लुक और ये एम्ब्रॉयडरी वाला सूट एंड लेवल क्लासी लग रही है, मतलब यार कमेंट करके बता दो अपनी बहन को कि बाकी ऐसे जो मैं सोच रही हूँ कि नहीं है। और इसके साथ जी आपकी मैंने गोल्ड की सारी ज्वेलरी पहनी हुई है, इयररिंग्स और मतलब सॉरी ये इयररिंग्स और ये बैंगल्स वगैरह, ठीक है, मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा चेंज लेके आते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी से थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, यू नो। तो मुझे पर्सनली ये चेंज अच्छा लग रहा है, अगर आप लोगों को मेरे साथ अच्छा लग रहा है तो कमेंट डाउन ऑन दैट। तो खैर अभी बस फ्रेशन अप होते हैं, रेस्ट करते हैं, आई सी यू गाइस अप टुमारो। ये वाला व्लॉग हम आज इधर ही अब एंड करेंगे, ठीक है, ओके बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग, लव यू।